example of live vaccine is BCG, measles, mumps, rubella, OPB, typhoid, oral. अगर oral नहीं लिखा होगा तो typhoid comes under killed vaccine. येलो फीवर, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफस, रोटा वायरस, वेरीसेला. अमंग ऑल दीज वैक्सीन विच आई हैव टोल्ड रिपीटेडली आस्क्ड इज रोटा वायरस एंड मीजल्स. लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. फिर ये कौन कौन सी वैक्सीन सबक्यूटेनियसली देते हैं, हमने वैक्सीन वाले पोर्शन में पढ़ा था जब हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाली वैक्सीन पढ़ रहे थे. मीजल्स हो गया, जेई हो गया आपका, येलो फीवर और वेरिसेला हो गया. फिर कौन सी हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, मोस्ट हीट सेंसिटिव इज ओपीबी. टॉप शेल्फ्स पे रखते हैं ओपीबी, मीजल्स, बीसीजी एंड रोटा वायरस. मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग इज डीपीटी, डीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी. फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, एग एलर्जी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, येलो फीवर एंड इन्फ्लुएंजा, न्यूरोलॉजिकल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, पर्ट्यूसिस. एक साथ कभी भी येलो फीवर एंड कॉलरा वैक्सीन नहीं देते हैं. ओके, मैंने बताया था कि लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड इम्यूनो डिफिशियंसी. एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी इज एच आई वी, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. एच आई वी में आप मीजल्स दे सकते हो, बट द कंडीशन इज कि आपको 6 मंथ तक दे देना है. फिर वैक्सीनेशन आफ्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द 3 मंथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर स्टेन है बी सी जी के लिए दानिश 1331, मीजल्स के लिए इजेड, शॉर्ट्स, मोराटन, जेई के लिए नाकायामा, बीजिंग, एसए 1442, येलो फीवर 17D स्ट्रेन, मम्स, तेरिल, एलजेड, रिट 43, यूरेब. ओके, बीसीजी ओनली वैक्सीन मैंने बताया, इंटरनल भी देते हैं, पैप्यूल्स, स्कार वगैरह बन जाते हैं, मंटूक्स पॉजिटिव होता है. डीपीटी की बात करें तो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनाफाइलेक्टिक एंड न्यूरोलॉजिकल रिपीटेड मेनी टाइम्स. DPT contraindicated, neurological, anaphylactic, this is repeated many times. Measles is the live vaccine. Coplic spot, measles. Ear discharge, measles. Airborne, measles. Mass vaccination post disaster, measles. Contraindicated in pregnancy, immunodeficiency, cell mediated immunity, illness. Adverse effect is thrombocytopenia and toxic shock syndrome. This has been asked many times in the examination. What are the adverse effect of the measles vaccine? That is TSS and thrombocytopenia. Catch up, keep up, follow up for the measles. Yellow fever subcutaneously dete hain 7 to 35 years. Iska maximum IP hota hai 10 years. Fir reactions. बीसीजी का एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? ऑस्टाइटिस, सुपरेटेड, डिसामिनेटेड बीसीजी. ऑस्टाइटिस, सुपरेटिव, डिसामिनेटेड. मीजल्स का भी बताइए था, आपका टीएसएस हो गया, इंसेफेलोपैथी हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया. रोटा वायरस इनटू सस्पेक्शन. वेरिसेला, सेरेब्रल अटैक्सिया, न्यूमोनाइटिस. नेक्स्ट इज वैक्सीन वेल मॉनिटर. अगर आपका अंदर वाला हल्का है, एक्सपायरी डेट प्रेजेंट है बाहर से, तो इट कैन बी गिवन. बराबर है, एक्सपायरी डेट नहीं आई है, इट कैन बी गिवन. लेकिन अंदर वाली सर्किल का कलर बाहर से डार्क हो जाता है, इट कैन नॉट बी गिवन. ओके, अच्छा, नो वैक्सीन स्टोरेज डन बिलो द पीएचसी. पीएचसी लेवल से ऊपर ही वैक्सीन स्टोरेज करते हैं. दो लाइव वैक्सीन्स अगर देनी है तो 3 वीक्स का इंटरवल एंड 2 डिफरेंट साइट्स पे देते हैं. व्हाट इज EVIN? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन. एंड द लास्ट टॉपिक इज ओपन वायल पॉलिसी. कोड इज हॉडिट, अप्लीकेबल ऑन हॉडिट, हीपेटाइटिस बी, ओपीबी, डीपीटी, आईपीबी एंड टीटी. हॉडिट हो गया, एच फॉर Hepatitis B, O for OPB, D for DPT, I for IPB and T for TT. Shake test, freeze sensitive vaccine likely to damage. Example is hepatitis B, TT,
and PCV. So guys, that was about the vaccine. If you like my content, please share, like and subscribe my channel. Thank you.